फ्रेंड्स, खीर तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिलीशियस घर का बना आटे का खीर। तो चलिए इसे बाउल में सर्व करते हैं। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। गारंटी है आपने ये सुबह का टेस्टी हेल्दी नाश्ता अब तक कभी भी नहीं बनाया और खाया होगा, तो अब बनाइए और खाइए। मात्र 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा डिलीशियस आटे का खीर। खीर बनाने के लिए यूज किया है घी, चीनी 1.5 चम्मच, आटा, छोटी इलायची, मखाने के अलावा 1 छोटी कटोरी, काजू, किशमिश, नारियल चिल और लिया है ये 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। चलिए बनाना शुरू करेंगे। चलिए गैस पर कढ़ाई चलाते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं। अब सबसे पहले आपका जाएगा ऑयल। ऑयल डालने के बाद थोड़ा ऑयल हीट हो जाए, उसके बाद ही डालेंगे आटे को। ऑयल हीट हो गया है, चलिए अब इसमें ऐड करेंगे ये 1 से 1.5 चम्मच आटा। उससे ज्यादा आटा मत लीजिएगा, इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, कुछ लोग कच्चे आटे से भी बनाते हैं, लेकिन हम आटा थोड़ा भून कर बना रहे हैं, इससे थोड़ा टेस्टी रहेगा, जो कच्चापन है वो निकल जाएगा आटे का। तो इसे भूनना बहुत ही जरूरी है, इसे लो फ्लेम पर ही भूनिएगा, ज्यादा लाल नहीं होना चाहिए। चलिए इसी समय इसमें ऐड कर देते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, काजू, नारियल और किशमिश, छोटी इलायची, मखाना तो लास्ट में डाल सकते हैं, इसे इस समय इसीलिए डाल दिया ताकि ये भी थोड़ा रोस्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सोनी सोनी खुशबू आने लगी। चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, फ्लेम बंद कर दिया है, जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तब आप इसमें ऐड कीजिए दूध। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी, चीनी स्वादानुसार ऐड कीजिएगा। अब इसे पहले मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये देखिए भून लिया है, अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है। चलिए मखाना का लावा भी ऐड कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब फ्लेम ऑन करिए और इसे इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। थोड़ी ही देर में डिलीशियस आटे का खीर बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसमें मखाने के अलावा जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब ये बीच बीच में खाने में आता है तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जैसे खीर थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी रहती है, उसी तरीके से इसे भी पका लीजिए। ये देखिए ये उबलना शुरू हो गया, अब धीरे धीरे थोड़ी देर में ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसे कंटिन्यूअसली थोड़ा चला लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे 2 मिनट ही लगे हैं, ये गाढ़ा हो रहा है। चलिए ये देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे खीर की कंसिस्टेंसी होती है उतना ही इसे गाढ़ा रखेंगे। चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं, ये अच्छी तरीके से पक चुका है। जिस स्टाइल में मैंने बनाया इस स्टाइल में बनाइए, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। कच्चा आटा बिल्कुल भी डालकर न बनाएं, कच्चा आटा डालने पर ये बहुत ही बेकार लगता है, एक अजीब सा स्वाद देता है। चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं, अब हम इसे आपको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस खीर को सर्व करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए, थोड़ा सा नारियल, काजू। ये आपका डिलीशियस आटे का खीर बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, 1 साल के ऊपर के बच्चों को भी आप इसे इजली बनाकर खिला सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी व टेस्टी है। बस इसे बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और ग्रीन कार्डमम ऐड नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।